अस्सलाम वालेकुम गाइस, हैन एंड वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरा एक बर्ड जो है उसकी आँख का इन्फेक्शन था। अब आप चेक कीजिए उसकी आँख, माशाल्लाह पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गया और काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गया। चेक कीजिए, अब मैं आपको उसकी आँख पकड़ के चेक करवाता हूँ कि इसकी आँख में जो मसला था वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा शायद लाइट का मसला है। और ये इसकी फीमेल है जो अभी मेरे ख्याल से एग ले कर चुकी है। और अगेन मेरे सर पे जो है वो कुकड़। ये चेक कीजिए इसकी आँख, काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। और ये चेक कीजिए दूसरी आँख, और बिल्कुल ओके हो गया ये। तो फ्रेंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शुरू से रिकवर अगर करना चाहें तो हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। देखिए वरना इसकी आँख की हालत क्या हो गई थी, आपके सामने ही है। अब काफ़ी हद तक आँख इसकी बेहतर है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें मसला है। और इंशाल्लाह कुछ टाइम में इसका रिकवर हो जाएगा, लेकिन अभी जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर है। चेक कीजिए, अब ड्रॉप जो है वो डाल के देखते हैं। एक दो ड्रॉप इनके डाल देते हैं ताकि ये इजी हो जाए। ये चेक कीजिए, ड्रॉप डाल दिए इसकी आँख में, और बस थोड़ी देर आपने इसको ऐसा रखना ताकि ड्रॉप जो है वो इसकी आँख पे बिल्कुल एक्यूरेट रहे। लेकिन आप देखें कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसकी आँख में, पहले बहुत ज़्यादा इसकी आँख में मसला होता था, और अब देखें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो फ्रेंड आप चाहें तो, मतलब क्या नहीं हो सकता, आप चाहें तो ईज़िली रिकवर कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं इसको छोड़ूंगा और आप देखिए। देखें बिल्कुल सेट हो गया, वरना पहले तो ये पानी के ऊपर बैठ रहा था, खुलिया पर बैठ रहा था इसकी, और कुछ भी खा नहीं रहा था सही तरह, कुछ भी पी नहीं रहा था। और अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मेरा बर्ड जो है वो बिल्कुल ओके है। इसी तरह आप रिकवर कर सकते हैं बर्ड्स को और उसका ख्याल रख सकते हैं। बस आपने थोड़ी सी चीज़ें ये करनी है कि आपने जो है उनका, उनको ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और कैसे आ रही है और रिकवर कैसे करनी है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो और हर चीज़ आपको पता चले, तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।